जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। तो आज हम एस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। इस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करते हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर जनवरी के महीने में दो राशियों में रहने वाला है। 7 जनवरी तक वो वृश्चिक में दशम भाव में रहेंगे और 7 जनवरी से धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में 7 जनवरी से गोचर होगा। उनकी दृष्टि 7 जनवरी से 31 जनवरी तक के समय में आपके पंचम भाव मिथुन राशि पर बनी रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य सप्तमेश का जो गोचर है 15 जनवरी से मकर राशि में होगा। इससे पहले वो धनु राशि में रहेंगे तो 15 जनवरी तक सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि भी पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो सप्तमेश और पंचमेश की युति भी 7 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में रहने वाली है धनु राशि में एकादश भाव में। यहाँ पर हम देखें तो प्रेम संबंधों के लिए परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। राहु का गोचर वाणी के भाव में है तो इस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सलाह है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें और झूठ बोलने से बचें। अपने साथी के साथ झूठ ना बोलें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो प्रस्ताव देने के लिए 7 जनवरी से 15 जनवरी तक का समय सबसे ज्यादा बेहतर है। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह का कोई ज्यादा मतभेद चल रहा है, उसे आप समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर जनवरी के महीने में प्रयास किया जा सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। 7 जनवरी से 15 जनवरी तक का समय वहां पर भी ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। कुल मिलाकर जनवरी के महीने में आप प्रस्ताव भी दे सकते हैं और आप अपने वाद विवाद भी दूर कर सकते हैं। पूरे महीने प्रयास किया जा सकता है, लेकिन 7 जनवरी से 15 जनवरी तक का समय ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहां पर भी आप अपने साथी को मना सकते हैं, परिवार वाले लोगों को मना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और वहां पर भी 7 जनवरी से 15 जनवरी के बीच का ऐसा समय है जब आप अपने साथी या परिवार वाले लोगों को बातचीत कर सकते हैं और वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ 15 जनवरी से 31 जनवरी तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि कोई भी बहस ना करें, कोई भी छोटा मोटा वाद विवाद बड़ा करने की कोशिश ना करें, वरना फिर आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और वाद विवाद बढ़ सकता है। इसलिए 15 जनवरी से 31 जनवरी के समय में किसी भी प्रकार की गलतफहमी होती है या कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसको बड़ा बिल्कुल ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। 15 जनवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का समय रोमांटिक तो रहेगा, मुलाकातें भी हो सकती हैं, रोमांस भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, आपके अहम को लेकर, क्रोध को लेकर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पूरे महीने बनी रहेगी। मंगल आपके तीसरे भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं, वो धनु राशि में पूरे महीने रहेंगे। आप में अहम की भावना देखने को मिल सकती है, इसलिए अहम से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर आप अवश्य चलें। अहम और क्रोध पर नियंत्रण रखना जनवरी के महीने में काफ़ी आवश्यक होगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के मामले में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का गोचर एकादश भाव और 12वें भाव में रहेगा तो 15 जनवरी तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए भी बेहतर रहेगा। अगर जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है तो उसे भी 15 जनवरी से पहले समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे एकादश भाव में मंगल और सूर्य की युति भी रहेगी तो इसलिए आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह की अहम की भावना से दूर रहें, क्रोध की भावना से दूर रहें, तभी आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। बहुत ही प्रेम के साथ और धैर्य के साथ अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपका समझौता हो सकता है। छोटे मोटे वाद विवाद समाप्त किए जा सकते हैं पूरे महीने, लेकिन अगर कोई ज्यादा वाद विवाद है तो 15 जनवरी से पहले ही प्रयास करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा हो सकती है, उस यात्रा के दौरान आपके संबंध भी मधुर रहेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह की बातचीत करते वक्त झूठ बोलने से बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अविवाहित लोगों के लिए भी जनवरी का महीना
बेहतर रहने वाला है, वहां पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, गुड़ और रोटी भी खाने को दे सकते हैं, हरा चारा खाने को दे सकते हैं, और अगर कोई काले कलर की गाय मिलती है तो उसकी सेवा करें शनिवार के दिन, बहुत अच्छा है। वरना किसी भी गाय को आप गुड़ रोटी खाने को दें या फिर हरा चारा खाने को दें, प्रत्येक शनिवार को दें, आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये इस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।